नमस्कार एवरीवन, मैं हूं अनिकेत। आप देखना शुरू कर चुके हैं डी एन सी लाइव न्यूज। मैं आज सावन की अंतिम सोमवार है, इस एपिसोड में आपको मैं बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया में लेकर आया हूं। और देख सकते हैं बलिया बाजार में श्री श्री 108 बालेश्वर नाथ मंदिर में आपको मैं सी तस्वीर दिखाऊंगा और भगवान के दर्शन भी कराऊंगा, भगवान भोलेनाथ के, और दर्शन भी कराऊंगा। आप लोग जो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे, और संध्या आरती का भी लाइव प्रसारण आप सबों को दिखाऊंगा, तो आप सब बने रहे। देख सकते हैं मंदिर के दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, किस तरीके से मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करूंगा मंदिर का। अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि अंदर आएं, मंदिर का भी दृश्य दिखाने का प्रयास करें, किस तरीके से मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। देख सकते हैं मंदिर में एक भक्तजन है जो पूजा अर्चना करते हैं हमेशा मंदिर में, हमेशा सेवा भाव से लगे रहते हैं। उनसे बात करते हैं कि यहाँ हर दिन आते, हर एक दिन यहाँ पूजा अर्चना होता है अच्छे तरीके से, नित्य दिन यहाँ पे श्रृंगार होता है, नित्य दिन बाबा की आरती होती है, भजन होता है, और श्रद्धा से लोग आते भी हैं यहाँ पे। आप सब भी एक बार यहाँ पर आइए और बाबा का श्रृंगार देख के मनमुग्ध होइए। यही बाबा जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सब दिन, ऐसा नहीं कि सावन में ही बाबा भोला का श्रृंगार किया जाए, सब दिन बाबा भोला का श्रृंगार किया जाए। आप सबसे यही अनुरोध है, मेरी विनती है कि नित्य दिन एक लोटा जल और सब समस्या का हल, जो बाबा प्रदीप मिश्रा जी कहे हैं उस पर थोड़ा सा अमल करते हुए नित्य दिन बाबा भोला का श्रृंगार कीजिए और जल चढ़ाइए। यही सावन की सोमवारी में मेरी मनोकामना है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजू कुमार है, और ठीक बाबा भोला के आगे में मेरा दुकान है, पान की दुकान है। बाबा ही हमको देखते हैं, हम बाबा को देखते हैं, बस यही है। भक्त भी कह सकते हैं, भक्त भी कह सकते हैं, हम सिर्फ भक्त हैं। देख सकते हैं मंदिर में बहुत सारे भक्तों का सहयोग है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज अष्ट समारी है, तमाम भक्तजनों से निवेदन है कि हमारी जो कमी रह गई होगी उसे क्षमा करने की कोशिश करेंगे, और बाबा का आरती में भाग लेकर तमाम भक्तजनों से निवेदन है कि वो पुण्य का भागी बने, और जो रह गई होगी कमी उन्हें बाबा से मनोकामना मांगेंगे कि अगले साल वो भी पूरी हो। नीतीश कुमार भगत, यस सर। देख सकते हैं और भी यहाँ भक्त हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप? आज सावन की अंतिम सोमवारी है, भगवान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी भक्त को क्या कहना? बाबा के, श्री बाबा के जितने भी भक्तजन हैं, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज सावन का जो अंतिम सोमवारी है, तो सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और आज विशेष माने सोमवारी का जो है इस अवसर पे विशेष छप्पन भोग का आयोजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें जी प्रत्येक दिन के भांति इस आज भी महाआरती होना है, और आज का समय केवल 8 बजे आज के लिए ही सुनिश्चित किया गया है, जिसमें तमाम भक्तजनों से आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि उस महाआरती में भाग लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें और वो आरती में भाग लें। शुभ नाम आपका? जी मेरा नाम पीयूष कुमार हुआ, मैं इस मंदिर का सेवक के नाते यहाँ देखभाल के लिए मैं रहता हूँ। धन्यवाद। देख सकते हैं मंदिर के पुजारी है, उनसे जानना चाहते हैं। आप सभी दर्शकों क्या कहना चाहेंगे? आज सावन की अंतिम सोमवारी है, सभी दर्शकों क्या संदेश देना चाहेंगे आज के लिए? आज के लिए क्या संदेश है? यही है कि आदमी आए अपना यहाँ आजमाए आके, यहाँ हाँ यहाँ सारा चीज़ मिलता है, अपना मन में जो सोच के आएंगे भावना, वो भावना यहाँ पूर्ति हो जाएगा। बहुत लोगों का पूर्ति हुआ है, जिस सिद्धि पीठ है बलिया का, पूरे बलिया का, पूरे बलिया का सिद्धि पीठ है। यहाँ पर जितना भी अभिषेक करने आते हैं सब अभिषेक यहीं करेंगे तो ही उनको सिद्धि प्राप्ति होगी। जितने भी मंदिर है महादेव भोला बाबा का, सबका ये गुरु है। लगभग 150 वर्ष पूर्व, और ये मनोकामना सिद्ध मंदिर है। यहाँ आज तक जितने भी शादी विवाह अन्यथा जो भी शुभ कार्य हुआ है सब संपन्न हुए हैं, ताकि जो भी छोटे मोटे भक्त हैं दूर दूर से आते हैं सभी को मनोकामना पूर्ण किया जाता है हमारे बाबा बालेश्वर नाथ में। भक्तजन जय श्री राम के नारे लगा क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा के दरबार में आके जो है हम लोग सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, इनके आस्थान में लग जाते हैं। बस बोलिए हर हर महादेव। आदर्श कुमार, अब कुछ ही देर में यहाँ पे संध्या आरती का कार्यक्रम होगा, उसके बाद सभी भक्तजन जुड़े लाइव सेशन से।
डीएन श्री लाइव न्यूज के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का दर्शन भी करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इस 108 बालेश्वरनाथ मंदिर बलिया में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मंदिर का दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान का दर्शन कर सकते हैं आप सीधी तस्वीर के माध्यम से। आज सावन की अंतिम सोमवारी है, देख सकते हैं किस तरीके से भव्य तरीके से मंदिर सजाया गया है। भगवान का दर्शन करें आप लोग लाइव सीधी तस्वीर के माध्यम से, डीएन श्री लाइव न्यूज के माध्यम से। देख सकते हैं भगवान का 56 भोग लगेगा, अभी देख सकते हैं सीधी तस्वीर के माध्यम से। यहाँ पे बहुत ही मनमोहक तरीके से मंदिर सजाया गया है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे संध्या आरती का भी कार्यक्रम होगा, तो अच्छे से रंगोली बनाया गया मंदिर प्रांगण में। श्री श्री 108 बालेश्वरनाथ मंदिर बलिया में बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया, बहुत ही भव्य तरीके से लोग श्रद्धालु दूर दूर से आए पूजा अर्चना किए। क्या कहना चाहेंगे आज बलिया नगरवासी जितने भी हैं बहुत खुश हैं। 800 सोमवारी साल की बीती है, आज लास्ट सोमवारी है, काफ़ी भीड़ है मंदिर में और लोग भक्तजनों जितने भी आते हैं मतलब उनकी इच्छा पूरी होती है, इसलिए इतनी भीड़ उमड़ रही है। तो जो मांगते हैं सारी पूरी होती है। आरती कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्लस यहाँ के जितने भी जो नागरिक हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि शांतिपूर्वक सब आरती में शामिल होते हैं और प्रसाद लेकर समुचे जाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम निर्मल कुमार अग्रवाल, सिंघाड़िया। आप यहाँ के भक्त हैं, आप पूजा अर्चना करते हैं? मैं निवासी हूँ। मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, आपकी भी बढ़िया सभी लोग पूरा श्रद्धा से मैंने इसमें सहयोग दिए हैं और आपकी घर में भी पूरा सबका सहयोग रहा। मेरा नाम कृष्ण कुमार चौधरी। अभी मैं मौजूद हूँ श्री श्री 108 बालेश्वरनाथ मंदिर बलिया में। यहाँ पे एक भक्त हैं, बहुत पुराने भक्त हैं, मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं लगभग आए दिन। उन्हीं से जानते हैं कि मंदिर क्या सच्चाई है, कब स्थापना हुई थी, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम कन्हैया कुमार चौरसिया। मैं बहुत दिनों से मंदिर के सामने से मेरी दुकान है श्री श्री बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर। प्राचीनों काल से हमारे बाजार की और बलिया बाजार की एक भव्य मंदिर के रूप में और आस्था के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर की विशेषता है कि अपनी मनोकामना लोग लेके आते हैं और उनको पूर्ण प्राप्त होता है। और प्राचीनों काल से बहुत दिनों से कहने का मतलब इस मंदिर में सोमवारी का प्रयोजन और शिवरात्रि का प्रयोजन बहुत धूमधाम से होता है। ज़्यादा जगह पर बंद हो गया सोमवारी का रूप, लेकिन हमारे मंदिर में बाबा बालेश्वरनाथ श्री श्री बाबा बालेश्वरनाथ के मंदिर में आज तक सोमवारी का एक प्रयोजन हर साल बड़े धूमधाम से होता है। इस बार जन सहयोग से होता है, बलिया बाजार के सहयोग से होता है, हर युवा पीढ़ी के सहयोग से होता है। यह एक कहने का मतलब एक वर्ग और यार एक समुदाय से नहीं, सभी समुदाय इसमें सहयोग देते हैं और पूर्ण रूप से देते हैं। और मैं तो कहूँगा कि एक बार बाबा श्री श्री बाबा बालेश्वरनाथ से आके मिलें, अपनी मनोकामना पूर्ण करें, ये हमारी कहने का मतलब सबसे विशेष अनुरोध है। मेरा नाम कन्हैया कुमार चौरसिया। महादेव की कृपा है, ये जो परंपरा चलते आया है बलियावासियों के लिए बहुत बड़ी श्रद्धा है लोगों की और गर्व की बात है। मनोज कुमार पप्पू। अब यहाँ के भक्त पूजा करते हैं? पूजा करते हैं, आस्था है भोले बाबा का, हम लोग सब दिन देखते हैं। जो भक्त आते हैं सबको मनोकामना? हाँ, सबों की मनोकामना पूरा होती है।